की ताजगी। गुज़िश्ता बारिशों और सैलाब में सुबह सिंध का 36 लाख एकड़ पर फैली फसलें और बागात पूरी तरह तबाह हो गए हैं। चावल की काश्त को 85% नुकसान, कपास और खजूर की काश्त को 100% नुकसान, सब्जियों की काश्त को 60-65% नुकसान, गन्ने की काश्त को 30-35% नुकसान, टमाटर की काश्त को 90% नुकसान, प्याज की काश्त को 88% नुकसान। इस बड़े पैमाने पर नुकसान का सबसे ज्यादा बोझ सिंध के काश्तकार को उठाना पड़ा। ऐसे में सिंध की अवामी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। उनमें किसान भाइयों को गंदम के बीज की रकम की मद में प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए कैश और बैंक या मोबाइल अकाउंट के जरिए ये रकम खुद अदा कर रही है। इसकी वजह से बीज की खरीदारी का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। इसी सिलसिले में महकमा ज़राअत टीमें हर जिले में मुतहर्रिक कर दी गई हैं, जो हर कस्बे में जाकर किसानों से उनकी जमीनों के नुकसानात की मालूमात लेंगी और उन्हें उन नुकसानात के बदले माली मदद दी जाएगी। काश्तकारों की बहाली के लिए डिजिटल डेटा बैंक बनाने का फैसला, ताकि एकड़ अराजी की तादाद और फसलों की तफसीलात मालूम की जा सके। इसीलिए हुकूमत सिंध की किसान भाइयों से पुरखलूस गुजारिश है कि वो इस पेशकश से फायदा उठाएं। महकमा ज़राअत, हुकूमत सिंध।